हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक स्पेशलिस्ट शेफ और कुमी शेफ में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने हर होटल में या रेस्टोरेंट में देखा होगा या फिर आप ट्रेनिंग में गए होंगे या जेटी में कि जो कुमी थर्ड है वो कुमी थर्ड ही है, और वो स्पेशलिस्ट शेफ कौन से होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। इस कौमी थर्ड आप बनना ही नहीं चाहते, आप कौमी थर्ड में ही रहना चाहते हो। और जो स्पेशलिस्ट शेफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। वो कौमी थर्ड से लेकर और अपना जो जैसे एक दिन कभी DCDP बन जाते हैं, वो CDP बन जाते हैं, सो शेफ बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, और जो है हर जगह जो है फेमस होने की सोचते हैं और कुछ नया अचीव करने की सोचते हैं। एक डिश की जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, दाल मखनी है। दाल मखनी को उन्होंने दो तीन तरीके से बना दी, दाल मखनी बना दी और दाल मखनी तड़का बना दिया। ऐसे वो कुछ भी बना देते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। एक डिश की दो तीन चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और बना बना के ट्राई करते हैं। वो ये नहीं कि उनका जो बेसिक काम है, जो उनको बता दिया गया है कि आपका ये काम है, वो हमेशा वो ही करते हैं और ये वो करके घर नहीं जाते। वो अपना जो है अच्छे से काम करते हैं और काम को काम की तरह नहीं, अपना जो है जैसे कोई लेता ना एंजॉयमेंट की तरह वो काम करते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं काम की तरह, ड्यूटी की तरह ड्यूटी नहीं करते वो। और वो जो है एक स्पेशलिस्ट शेफ माने जाते हैं जैसे। और वो आप सोचते होंगे कि मेरी जो सैलरी है, मैं भी 12-15 घंटे जो है अपना यहाँ पे ड्यूटी में अपना जॉब कर रहा हूँ, और जो एक स्पेशलिस्ट शेफ है और वो भी इतने घंटे काम कर रहा है, बट उसकी सैलरी ज़्यादा की और मेरी कम की है, और वो तो काम इतना करता भी नहीं है और मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना हार्ड वर्किंग करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे कई ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और वो अपना माइंड का इस्तेमाल कर रहा है, वो नई नई रेसिपी निकाल रहा है, नए नए मेन्यू निकाल रहा है, तो वो जो है आगे बढ़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास डेली एक पेशेंट आते हैं। वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे अपने हॉस्पिटल में लगा हुआ है। तो वो सुबह 10 बजे आ रहा है, रात को 10 बजे जा रहा है और अपने नंबर वाइज पेशेंट को चेक कर रहा है। और एक दूसरा डॉक्टर होता है जो सर्जरी वगैरह करते हैं, वो एक सर्जरी करते हैं तो उसमें वो कमा लेते हैं 30,000, 50,000, 60,000 एक बार में। और जो डॉक्टर है जो मंथली बेसिस पे लगा हुआ है, डेली वो चेक कर रहा है पेशेंट को, उनके डेली जो पेशेंट आ रहे हैं, और उसकी भी जो सैलरी है वो है 50,000 मंथली। तो वो सोचता है कि मैं तो सुबह से रात तक बैठा हूँ, मेरी 50,000 है, और वो तो एक घंटे में बस सर्जरी करता है और उसको 50,000 जो है उसको मिल जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम लगता है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको भी मौका मिलता है, बट आप वो करना चाहते ही नहीं हो। और जैसे डॉक्टर एकदम डॉक्टर बनते ही वो एकदम सीनियर पोस्ट पर तो नहीं जाता, वो भी धीरे धीरे जाता है और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है, और जो भी ट्रेनिंग बीच बीच में दी जाती है हॉस्पिटल में वो उसको अटेंड करता है और वो लेता है ट्रेनिंग को, और साथ साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो अपनी जो एजुकेशन है वो वहीं के वहीं नहीं छोड़ देता। आप सोचते कि मैंने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, बस अब मैं कौमी थर्ड हूँ, मेरी जॉब मिल गई, अब मुझे यही ठीक है। आप जो है आगे की अपनी नॉलेज बढ़ाना ही नहीं चाहते। आपने जो पहले सीखा आप सोचते मैंने डिग्री तो कर ही ली है, अब मैं क्यों पढ़ूं। बट अगर आप डे बाय डे कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको जो है एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको नए नए टेक्निक सीखने चाहिए, और जो नई नई होटल के अंदर जितनी भी टेक्निक नई आ रही, जितनी भी हमारी ऐसे मशीन आ रही है होटल के अंदर, और क्या एक्सपीरियंस है, एक CDP क्या काम करते हैं, आप उसको सीखने की कोशिश करते हो अपने काम के अलावा। ब्रेक टाइम में आप ब्रेक पे नहीं जाते, आप नया कुछ सीखते हो, तो आप भी स्पेशलिस्ट शेफ बन सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया है कि एक स्पेशलिस्ट शेफ और कौमी थर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ सिंपल वे में बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने जीवन में कुछ नया कर सके और आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।